प्रदेश के बहुउद्देशीय परियोजनाएं ऊर्जा एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री अनिल शर्मा ने प्रीतिगढ़ मंडी में जिला प्रशासन लोक निर्माण विभाग HPPCL अंतर्राष्ट्रीय उच्च मार्ग तथा एफकोम्ब KMC कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ नीरचौक मनाली फोरलैन के कार्यों की प्रगति में संबंधित समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि फोरलैन का कार्य प्रगति पर है तथा भूमि अधिग्रहण करने के उपरांत लगभग 98% मुआवजा प्रभावितों को दे दिया गया है। उन्होंने एफकोम्ब KMC कंपनी के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सड़क व टर्नल से निकलने वाले मलबे को नदी नालों में ना फेंकें और सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर चिन्हित की गई डंपिंग साइट पर ही मलबा फेंकें ताकि पर्यावरण प्रभावित ना हो। उन्होंने कार्य आरंभ करने से पहले कंपनियों को लोगों के घरों व पेयजल स्रोतों की वस्तु स्थिति का आंकलन संबंधित विभागों के साथ मिलकर करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि नीरचौक से मनाली तक का निर्माण कार्य प्रारंभिक चरणों में है और समय अवधि के भीतर इसको पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि हवाई पट्टी के लिए निर्धारित 3 स्थानों के अतिरिक्त वासाधार तथा नंदगढ़ क्षेत्र की भी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करें ताकि केंद्र से सर्वे के लिए आने वाली टीम को इन स्थलों का भी दौरा करवाया जा सके। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राजीव कुमार, HPPCL के मुख्य अभियंता अजय कुमार, विशिष्ट लोक निर्माण विभाग के अधीनस्थ अभियंता करतार चंद्र तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। क्योंकि अब फोर लेन का काम जो है प्रगति पे शुरू हो चुका है और लगभग कंपनसेशन जो सरकार के माध्यम से तय किया गया था उसका लगभग 98% पैसा जो है लोगों को दे दिया गया। कुछ पैसा डिस्प्यूटेड है, वो थोड़ा सा बचा है, परंतु उससे काम जो है रुकेगा नहीं, काम चलता रहेगा। और सबसे बड़ी समस्या इस बात की आ रही थी कि अब जो कटिंग काम चल रहा है और उसमें अभी टनल का काम जो है अभी इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि जो पोर्टल है जहाँ से टनल अंदर जाएगी और अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होगा उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर डिजाइनिंग पार्ट है, क्योंकि जो बताया गया 45 महीने का ये प्रोजेक्ट है, 45 महीने के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो उसमें डिजाइनिंग पार्ट का जो है अभी उसको भी शुरू करने जा रहे हैं। उसमें इन्होंने कोई साइट अभी सिलेक्शन जो है इन्हीं कॉन्ट्रेक्टर के ऊपर छोड़ा गया है कि आप ही डंपिंग साइट को देखेंगे कि डंप कहाँ करना है। प्राइवेट डंपिंग प्राइवेट करने के लिए इन्होंने बात की है कि प्राइवेट जो लोग हैं वो डंपिंग करने के लिए जो इनको जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसमें कहीं ऐसा ना हो हमारे नदी नाले इसमें चोक हो जाए। उसमें मैंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि इसको देखें जाकर कि जहां इन्होंने डंपिंग कर रहे हैं वो हमारे जो खड्डे नाले हैं कहीं ऐसा ना हो हर कहीं फेंकना शुरू कर दें, तो उसका विशेषकर ध्यान रखें। माननीय मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि मंडी के अंदर जो टनल हमारे जो एयरस्ट्रिप बनेगी उसके लिए मैंने कहा अधिकारियों की भी 7 तारीख से पहले एक दो साइट हमारी नंदगढ़ की साइट थी। मैक्सिमम की सरकारी चौपर हम इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका खुद आप समझ सकते हैं कि सरकार इसमें तेजी से काम करना चाहती है कि हम अपने सरकारी चौपर उनको देकर जो है हवाई सर्वेक्षण करके हम विशेष कर प्रयास है कि महीने 1.5 महीने के अंदर हम अपनी रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को सौंप सके।